शीत युद्ध समाप्त होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़े। जैसे एक तो ये देखा जा सकता है कि 1985 से 91 तक इस समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो एक तनाव था, शीत युद्ध था, वाक युद्ध और प्रतिस्पर्धा का दौर चल रहा था, वो खत्म हो गया। उसमें कमी भी आई और वो आगे जाके 1990 तक आते आते समाप्त ही हो गया, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ में जो प्रतिस्पर्धात्मक अंतर्राष्ट्रीय स्थिति थी, तनाव था, विश्व युद्ध होने की भी संभावनाएं थी, वो पूरी तरह से शीत युद्ध समाप्त होते ही खत्म हो गई। और अब दो महाशक्तियों की जगह अकेला संयुक्त राज्य अमेरिका ही एक अकेली सुपर पावर के रूप में रह गया था, तो अब वो प्रतिस्पर्धा और शीत युद्ध की स्थिति नहीं रही। ईरान और इराक युद्ध काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा था, लेकिन 1980 तक आते आते ये भी समाप्त हो गया। तो विश्व में जो एक अशांति की जो स्थिति थी वो खत्म हो गई। अफगानिस्तान की समस्या जो 1988 से पूर्व तक हम देखते हैं कि चली आ रही थी, वो 1988 में आके उसका भी हल हो गया, जहां सोवियत संघ ने अपनी सेनाओं को वहां से वापस बुला लिया। नामीबिया में लंबे समय से स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, 1988 तक आते आते उसको स्वतंत्रता मिल गई। 1991 में कुवैत की समस्या का हल हुआ। कुवैत इराक के पास पड़ोसी देश है और इराक के अपेक्षा एक छोटा देश है। उस समय अगर हम देखें तो इराक में सद्दाम हुसैन शासक थे, जो एक तानाशाह थे, और तानाशाही सरकार की जो नीतियां हैं वो साम्राज्यवादी होती है। इसलिए उसने कुवैत पर, जो एक स्वतंत्र देश था, उस पर जबरन अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, उसको कैप्चर किया। इस पर जो यूएनओ की सेना थी अमेरिकी नेतृत्व में, उसमें कार्यवाही की और कुवैत को स्वतंत्र कराया इराक से, और सद्दाम हुसैन का अंत किया गया। तो कुवैत का जो कि एक लंबे समय से समस्या चली आ रही थी, 1991 तक आते आते वो भी समाप्त हो गई। यूएनओ में सहयोगात्मक वातावरण बना। इससे पूर्व अगर हम देखें तो यूएनओ भी शीत युद्ध का अखाड़ा बना हुआ था, क्योंकि शीत युद्ध, क्योंकि यूएनओ में जो 5 स्थायी सदस्य देश हैं सुरक्षा परिषद में, जिसमें अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, फ्रांस और इसके अलावा इंग्लैंड को हम देखते हैं, तो ये जो 5 देश थे वो वीटो पावर यूज कर सकते हैं। और यूएनओ में बराबर अमेरिका और सोवियत संघ के द्वारा जब भी शीत युद्ध की स्थिति जब तक बनी रही, उन्होंने वीटो पावर यूज किया, और सोवियत संघ ने तो कई बार, अनेकों बार अपनी बात को रखने के लिए कई प्रस्तावों को अस्वीकृत किया। वीटो मतलब किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकृत करना, यानी निशेषाधिकार की शक्ति। तो सहयोगात्मक वातावरण यूएनओ में नहीं था, लेकिन जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तो अब यूएनओ में भी स्मूथली काम होने लगा और सहयोगात्मक वातावरण बना। अब दोनों महाशक्तियां मिलकर कार्य करने लगी, जो आज तक हम देख रहे हैं। सोवियत संघ द्वारा आर्थिक सहयोग लिया जाने लगा, क्योंकि आर्थिक संकट की स्थिति थी। अमेरिका से स्वयं सोवियत संघ ने आर्थिक संधि की, आर्थिक सहयोग लेना प्रारंभ किया। तो ये जो पहले जो स्थिति थी दो महाशक्तियों के बीच में, अब वो स्थिति 90 तक आते आते परिवर्तित हो गई, और अब आर्थिक सहायता के लिए सोवियत संघ को अमेरिका की आवश्यकता पड़ने लगी। एक और जो परिवर्तन और प्रभाव हम देखते हैं, सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में समाप्त हो गया। 89-90 में जब सोवियत संघ, हमने पढ़ाई है कि इसका राजनीतिक विघटन हुआ, आर्थिक पतन हो गया, तो उसके साथ ही सोवियत संघ एक जो सुपर पावर के रूप में 1945 के बाद उभरा था वो भी समाप्त हो गया।
और इसके साथ ही शीत युद्ध की भी समाप्ति हो गई। तो अब केवल एक ही महाशक्ति अकेला अमेरिका रह गया। गॉर्बाचोव की काफी प्रशंसा इस दौर में की गई थी क्योंकि गॉर्बाचोव ने सुधार किए सोवियत संघ में आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से। हालांकि उनका उनकी नीति उनके प्रयास काफी सकारात्मक थे सोवियत संघ के लिए, लेकिन इम्पैक्ट जो पड़ा वो गलत हो गया कि सोवियत संघ का विघटन हुआ और ये अलग चीज थी। लेकिन गॉर्बाचोव की जो नीतियां रही वो काफी प्रशंसा की पात्र अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखी जा सकती है। और इस मामले में उनका प्रयास रहा था कि सोवियत संघ में सुधार किया जा सके। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि शीत युद्ध समाप्त होने से विश्व में एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हुई। एक ध्रुवीय से मतलब, जैसे मैंने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका अकेली महाशक्ति रह गया, तो अब प्रतिद्वंदी दो महाशक्तियां नहीं थी। अब शक्ति संतुलन की स्थिति भी समाप्त हो गई। और तब से अब तक 89 से और अब तक अगर हम देखें तो अभी विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका ही अकेली सुपर पावर के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि इस समय चीन भी उसको टक्कर देने के लिए अग्रसर है आर्थिक आधार पर, सैनिक आधार पर। लेकिन अभी इस समय तक अगर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका अकेला दुनिया की सुपर पावर के रूप में है। यूरोपियन देश भी शक्तिशाली हुए हैं, उनकी शक्ति में भी वृद्धि हुई है, लेकिन एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था अभी देखी जा सकती है। बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर चल रही है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जिसमें कई देश शक्तिशाली देशों के रूप में उभर तो रहे हैं, जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है, चीन है, लेकिन अभी हम उसको अमेरिका के बराबर सुपर पावर के रूप में नहीं देख सकते। तो ये भी हम इस दौर में देख सकते हैं प्रभाव। इसके अलावा यदि शीत युद्ध की समाप्ति का प्रभाव देखें तो विभिन्न जो देश थे वो इस समय, जैसे अरब इजराइल, एक जो समस्या चली आ रही थी लंबे समय से, कंबोडिया की समस्या थी, तो ये भी इस समय हल हुई। अरब और इजराइल जो विवाद था उसके लिए शांति वार्ताएं हुई और एक समझौता हुआ। कंबोडिया में शांति वार्ता से शांति हुई 1991 में, और अमेरिका ने यहाँ पर व्यापार प्रतिबंध जो लगा रखा था काफी लंबे वर्षों से वो समाप्त कर दिया। इसी तरह से अफगानिस्तान में सोवियत समर्थक राष्ट्रपति डॉक्टर नजीब के दस्त होने से स्थायी शांति के अवसर बढ़ गए। तो ये पूरा एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हम परिदृश्य शीत युद्ध समाप्ति के बाद देख सकते हैं और इसको इस तरह से स्पष्ट किया जा सकता है। पॉलिटिकल साइंस थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे शीत युद्ध का अंत या शीत युद्ध की समाप्ति और इसकी समाप्ति का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आज का हमारा टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि जिस शीत युद्ध का प्रारंभ 1945 के बाद हुआ था और उसके बाद द्वितांत और फिर उसके बाद नवीन शीत युद्ध या दूसरा शीत युद्ध शुरू हुआ, ये धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ा। और प्रभावशाली तब हुआ जब 1985 में विभिन्न प्रयास होने लगे। हालांकि इससे पूर्व भी अगर हम देखें तो कई प्रयास किए गए थे, जिसमें 1962 में रूस और अमेरिका के बीच शांति के लिए 3 शिखर बैठकें हुई थी, आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963 में हुई, 1968 में परमाणु अप्रसार संधि हुई, साल्ट वन साल्ट टू समझौते हुए, और फिर ये सब प्रयास के बाद भी दूसरा शीत युद्ध हो गया। इसके बाद भी कई बार दोनों महाशक्तियों के बीच में विभिन्न प्रयास होते रहे, लेकिन शीत युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ा आगे
वो था 1985 का दौर। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो जेनेवा वार्ता है वो हुई 1985 में, और 1985 में जेनेवा वार्ता में जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे रीगन और सोवियत संघ के राष्ट्रपति गॉर्बाचोव के बीच में कई मुद्दों पर सहमति हुई, जैसे परमाणु युद्ध कभी नहीं किया जाएगा, सैन्य वर्चस्व न हो, हथियारों की होड़ बंद हो, 1968 की परमाणु अस्त्र अप्रसार संधि, रासायनिक हथियार पर प्रतिबंध हो, वियना वार्ता का महत्व हो, बल प्रयोग वर्जित हो, दोनों पक्ष सांस्कृतिक शैक्षणिक और विभिन्न आर्थिक आधारों पर संबंध बनाए, रीगन और गॉर्बाचोव ने एक दूसरे देशों की यात्रा भी की और वाणिज्य दूतावास खोलने की बात हुई। तो ये भी यहाँ से हम देखते हैं कि प्रयास तीव्र गति से बढ़े और इसने शीत युद्ध के अंत की प्रारंभ किया। दूसरा हम देखते हैं 1986 में रीगन और गॉर्बाचोव के बीच में हुई शिखर वार्ता, और इसमें भी काफ़ी प्रयास किए गए थे, सहमति हुई थी कि शस्त्रों की होड़ कम हो और शांति, विश्व शांति के प्रयास किए जाएं। लेकिन ये ज़्यादा सफल इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि इसी समय स्टार वार कार्यक्रम, जो राष्ट्रपति अमेरिका के उस समय रीगन थे, वो उस बात पर अड़ गए और उन्होंने वो कंटिन्यू रखा स्टार वार कार्यक्रम। तो इससे फिर शस्त्रीकरण की होड़ विश्व स्तर पर बढ़ गई थी। एक और प्रयास जो है वो अमेरिका और सोवियत सहमति हुई सैन्य जानकारी के लिए, और ये प्रयास हुआ था सितंबर 1987 में मॉस्को, जो कि सोवियत संघ की राजधानी था, और अमेरिका के वाशिंगटन में एक परमाणु जोखिम निस्तारण केंद्र खोलने पर सहमति इस समय की गई थी। 1987 में सोवियत अमेरिकी शिखर वार्ता हुई, और 87 में जो ये वार्ता थी ये तीसरी वार्ता थी। दोनों देशों के मध्य कम से कम दूरी के प्रक्षेपास्त्र नष्ट करने पर सहमति पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इसी तरह 1988 में रीगन गॉर्बाचोव शिखर वार्ता हुई, रीगन अमेरिकन राष्ट्रपति, गॉर्बाचोव सोवियत संघ के राष्ट्रपति, और इनके दोनों के मध्य चार दौर हुए। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने भूमिगत परमाणु विस्फोटों पर पाबंदी लगाने के लिए जांच के लिए एक समझौता किया था। इसी क्रम में हम आगे देखें तो 1988 में एक और प्रयास हुआ, और वो था पश्चिमी जर्मनी के चांसलर की मॉस्को यात्रा। पश्चिमी जर्मनी में उस समय हेलमट कोल थे और उन्होंने मॉस्को की यात्रा की, और ये दोनों देशों के मध्य अच्छे संबंधों के लिए थे, और दोनों देशों के मध्य छह समझौते हुए जिससे शांति के और प्रयास और आगे बढ़ा। इसके बाद हम देखेंगे यूएनओ में गॉर्बाचोव की घोषणा। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और उस समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति गॉर्बाचोव ने ये घोषणा की कि पूर्वी यूरोप के देशों से 5 लाख सैनिक वो हटा लेगा और परंपरागत हथियारों में कटौती करेगा, और साथ ही न्यूयॉर्क में रीगन और बुश के बीच बुश से मुलाकात भी की इन्होंने गॉर्बाचोव ने। तो इस तरह से फिर ये आगे शीत युद्ध को कम करने का प्रयास हम इस समय देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें 1989 में तो बुश गॉर्बाचोव शिखर वार्ता हुई, और इसमें भूमध्य सागर में अमेरिका और रूस के बीच युद्धपोतों संबंधी वार्ता हुई थी। बुश ने गॉर्बाचोव को अमेरिका का आने का आमंत्रण दिया। इससे दोनों देशों, दोनों महाशक्तियों के बीच में फिर संबंधों में अच्छे संबंधों की शुरुआत हुई। इसके बाद अगर हम 1989 में फिर देखें तो सोवियत संघ और यूरोपियन आर्थिक समुदाय में समझौता हुआ, और इस समझौते को 10 वर्ष के लिए किया गया था,
और इसमें वस्तुओं के व्यापार बढ़ाने पर सहमति की गई थी। 1989 में अगर हम देखें तो बर्लिन की दीवार का ध्वस्त होना, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, इन दोनों के बीच में पहले विभाजन था और आदान प्रदान और आवागमन अवरुद्ध था, बंद था। तो ये शुरू हुआ इस 1989 में, जिसको कहते हैं बर्लिन की दीवार का ध्वस्त होना। अब इससे पूर्वी जर्मनी के लोग पश्चिमी और पश्चिमी जर्मनी के लोग पूर्वी जर्मनी में आ जा सकते थे, और सोवियत संघ ने भी प्रतिरोध इसमें नहीं किया था। 1990 में फिर पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण ही हो गया, और पश्चिमी जर्मनी के चांसलर हेलमुट कोल ने गोर्बाचोव से इस दौर में भेंट भी की थी। तो फिर संबंधों की अच्छी शुरुआत हुई। 1990 में हम देखते हैं कि ये नाटो के द्वारा, जो अमेरिकी सैन्य संगठन था नाटो, उसने शीत युद्ध समाप्त होने की घोषणा ही कर दी थी। और लंदन में 2 दिवसीय नाटो शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने घोषणा की कि नाटो और वार्सा पैक्ट के बीच के शीत युद्ध को समाप्त किया जाता है। 1990 में ही एक और प्रमुख हम वार्ता देखते हैं, हेलसिंकी में हुई थी, और यहाँ पर गॉर्बाचोव और बुश के बीच में वार्ता की गई थी। दोनों ने इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण को निंदनीय माना था और इसकी घोर आलोचना की थी, और जिस पे दोनों की सहमति देखी जा सकती है। 1990 में ही जर्मनी और सोवियत संघ के बीच मैत्री संधि हुई। जर्मनी से हेलमुट कोल ने और सोवियत संघ से गॉर्बाचोव ने हस्ताक्षर किए, और 20 वर्षीय संधि की गई, जो मैत्री संधि कही जाती है। 1990 में ही वार्सा और नाटो में ऐतिहासिक संधि की गई, और ये दोनों ही सैन्य संगठन थे। वार्सा सोवियत संघ का, नाटो अमेरिकी सैन्य संगठन था, और ये एक ऐतिहासिक संधि थी और इसने शीत युद्ध को समाप्त किया। 1991 में वार्सा पैक्ट को समाप्त कर दिया गया। ये सोवियत संघ का सैन्य संगठन था, और सोवियत संघ ने ये घोषणा की कि इसको समाप्त किया जाता है, जिसमें जो सैन्य घुटी राजनीति थी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से समाप्त होने लगी। 1991 में हम देखते हैं कि मास्को शिखर सम्मेलन किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति बुश और सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचोव के बीच हुआ। इसमें सामरिक हथियारों में कटौती की ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इससे निःशस्त्रीकरण को और बल मिला। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 1991 में कोरियाई समझौता हुआ, और इसमें जो उत्तरी और दक्षिणी कोरिया जो देश हैं, जिसमें उत्तरी कोरिया पर सोवियत संघ का प्रभाव था और दक्षिणी कोरिया में अमेरिकी प्रभाव था, तो ये कोरियाई समझौता होने से भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति हुई, शीत युद्ध में को समाप्त हुआ, और दोनों ने ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, और दोनों ही देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया गया। इसके बाद अगर हम देखें तो नाटो द्वारा 80% शस्त्र कटौती की गई, और 1991 में अमेरिकी सैन्य संगठन ने यूरोप में परमाणु हथियारों की कटौती पर अपनी सहमति दी थी। इससे निःशस्त्रीकरण की दिशा में और अधिक कदम सशक्त हुए। अफगान समझौता किया गया, और इसमें 1979 में जब सोवियत सेना अफगानिस्तान में पहुंची थी और उसने हस्तक्षेप किया था, तो यहाँ से शीत युद्ध प्रारंभ हो गया था, और शीत युद्ध में काफी बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन इसके बाद जब अफगान समस्या समाप्त हो गई, तो फिर इसने अमेरिका ने बराबर दबाव डाल रखा था सोवियत संघ पे कि वो वहां से अपनी सेनाओं को वापस बुलाए, और बाद में जाके 1991 में सोवियत संघ ने अपनी सेनाओं को वापस बुलाया, और जो अमेरिका के साथ उसका अफगानिस्तान को लेकर विवाद था वो समाप्त हुआ, और शीत युद्ध समाप्त हुआ।
1988 से यदि हम देखें 1988 में, तो एक और महत्वपूर्ण जो परिवर्तन विश्व स्तर पर और सोवियत संघ में देखा जाता है वो ये कि वहाँ के राष्ट्रपति गॉर्बाचोव का व्यक्तित्व और उसकी नीतियाँ। गॉर्बाचोव सोवियत संघ में सुधार करना चाहते थे और इसी क्रम में उन्होंने दो सुधार सोवियत संघ में किए, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। इसका अभिप्राय ये है कि उन्होंने राजनीतिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में सोवियत संघ में सुधार किए थे। राजनीतिक दृष्टि से नागरिक अधिकारों और प्रेस की जो स्वतंत्रता थी वो स्थापित की, और आर्थिक दृष्टि से उन्होंने कुछ जो छूट है वो आर्थिक उद्योगों को दी थी। तो ये जो आर्थिक और राजनीतिक सुधार थे गॉर्बाचोव के, उसकी वजह से वहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और आगे जाके सोवियत संघ में विघटन, राजनीतिक विघटन हो गया। और ये विघटन होने के कारण सोवियत संघ एक जो महाशक्ति के रूप में था वो समाप्त हो गया, और जब महाशक्ति के रूप में समाप्त हुआ तो शीत युद्ध भी समाप्ति की ओर आ गया। 1980 के बाद सोवियत संघ की आर्थिक मजबूरियां थी, क्योंकि जो साम्यवादी नीति थी उस पर आधारित अर्थव्यवस्था थी, उसने सोवियत संघ में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। प्रतिस्पर्धा की सामर्थ्य अब सोवियत संघ में नहीं थी, आर्थिक प्रगति मंद हो चुकी थी, आर्थिक व्यवस्था को खाड़ी युद्ध से भी काफ़ी नुकसान हुआ था, और इसीलिए गॉर्बाचोव ने इसमें आर्थिक सुधार किया था। तो ये जो आर्थिक मजबूरी थी उसने भी सोवियत संघ को कमज़ोर किया, और जब आर्थिक रूप से कोई भी विश्व स्तर पर देश कमज़ोर होता है तो वह महाशक्ति के रूप में भी समाप्त हो जाता है, और ये जब महाशक्ति के रूप में समाप्त हुआ तो शीत युद्ध भी समाप्ति की ओर आ गया। 1990-91 में एक और जो प्रमुख हम घटना देखते हैं वो सोवियत संघ का विघटन है, और उथल पुथल सोवियत संघ में थी। सोवियत संघ के जो 11 गणराज्य थे वो स्वायत्तता की मांग कर रहे थे, राजनीतिक बिखराव और विघटन की स्थिति वहाँ उत्पन्न हुई। सोवियत सरकार का केंद्रीकृत ढांचा भी नागरिक और सैन्य अफसरशाही के दोनों में हो रहे परिवर्तनों से चरमरा गया था, और कुल मिलाकर राजनीतिक विघटन हो गया और 11 गणराज्य अलग हो गए, और जो एक सोवियत संघ कहलाता था 90-91 तक आते आते अब वो केवल एक रूसी गणराज्य के रूप में जाना जाने लगा। तो जब इस तरह का राजनीतिक आर्थिक तो हो ही रहा था पतन, और राजनीतिक संकट भी होने से सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में समाप्त हुआ और शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। 1989-90 के बाद हम देखें तो साम्यवादी देशों में भी काफ़ी परिवर्तन आए। सोवियत संघ के प्रभाव से जिन देशों ने, यूरोप के और एशिया के विभिन्न देशों ने साम्यवादी शासन को अपनाया था, अब आर्थिक दृष्टि से वो परिवर्तन करने लगे, राजनीतिक दृष्टि से वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होने लगी। 89-90 के वर्षों में पूर्वी यूरोप के देशों में स्वतंत्र निर्वाचन हुए, बहुदलीय लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ बाजार अर्थव्यवस्था अपनाई गई। 1990 में रूस में साम्यवादी पार्टी पर प्रतिबंध लग गया और मुक्त बाजार व्यवस्था अपनाई गई। पश्चिमी देशों और पूर्वी यूरोप में अब कोई अंतर ही नहीं रहा, और रूस को G7 देशों से आर्थिक सहायता मिलने की संभावनाएं बढ़ने लगी। तो ये एक पूरा परिवर्तन का दौर हम इस पूरे समय को देख सकते हैं, जबकि शीत युद्ध समाप्त होगा और 1989-90 के बाद शीत युद्ध की पूरी समाप्ति देखी जा सकती है।